बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। सीएए लागू होते ही अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन और दिल्ली एनसीआर से लेकर असम तक पुलिस प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च किया है। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने बीते दिन सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी किया और इसी के साथ सीएए कानून लागू हो गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता मिलेगी और इसके बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के आसार हैं। क्योंकि देखिए, जब सीएए को लाया गया था तब भी विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिला था और इसके मद्देनजर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके मद्देनजर दिल्ली एनसीआर से लेकर असम तक फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस नजर आई है। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई है और जिसकी तस्वीर आप देख रहे, देखिए तस्वीर किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम फ्लैग मार्च करते हुए नजर आई है और इस वजह से दिल्ली, नोएडा समेत असम और अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीएए लागू होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से पुलिस यहां पर सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी पूरी तरह से सचेत है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजरें हैं। आईबी भी अलर्ट पर है, सोशल मीडिया पर पैरी नजर है। असम में खास तौर पर पुलिस अलर्ट है। तो 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए सीएए लागू होने पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नोटिफिकेशन के बाद शरणार्थियों ने देश भर के कई हिस्सों में जश्न मनाया है। जानकारी के मुताबिक सीएए के नियम जारी होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे और इसे लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है, जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है और इस वेब पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए देखिए, एक तरफ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, कई राज्यों में दिल्ली एनसीआर समेत असम तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, तो सीएए लागू होने पर जश्न की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर। नॉर्थ 24 परगना दक्षिण बंगाल की तस्वीर देखिए, किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर खुशी जाहिर करते हुए सीएए नोटिफिकेशन लागू होने के बाद, यानी कि सीएए कानून लागू होने के बाद। अहमदाबाद, गुजरात की तस्वीर देखिए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। तो भोपाल, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, यहां सीएए को लेकर एक बड़ा सा पोस्टर लेकर लोग नजर आ रहे हैं और लागू करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर, बिहार की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, मुजफ्फरनगर बिहार में भी एक दूसरे को देखिए अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो मजनू का टीला, दिल्ली की भी तस्वीर, यहां पर भी लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशी बांटा है।